कोई भी यहाँ जो आ रहा है ना, तो सामान जो भी है ना अंदर मत लेके आना यार, क्योंकि अंदर अलाव नहीं है सामान। तो गाइस यार स्नेक भी देख दिया सामने से। गाइज वेलकम बैक टू मिस जिमकॉन ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जू जाएंगे, और क्योंकि अनन्या को भी जाना है, उस बहुत जिद कर रही है कि मेरे को जू जाना है, जू जाना है। तो अभी सोच रही हूँ जू जाने के लिए, और देखते हैं। अभी मौसम भी बहुत सही हो रखा है, तो यार अभी हमारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब यार कहीं जाना था पर हमारी ट्रेन की टिकट ही नहीं हो पा रही है, और उस वजह से हम दो तीन दिन पहले ही आ गए थे। तो देखते हैं, आई होप आज तक हो जाए, फिर तो कल हमको कहीं जाना है। आज तो पहले जू जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपको वहीं पे, और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पे। एक तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, धूप इतनी तेज़ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गर्मियों का सीजन लग गया होगा। हाँ मटू, हाँ। तो गाइज अभी हम जू में आ गए हैं, और अभी चल रहे हैं अंदर, और यहाँ पे आने में बहुत टाइम लगा यार, क्योंकि हम उससे आए बस से, तो गाड़ी उधर ऊपर से घूम के आई है। तो अभी चलते हैं जू में और दिखाते हैं आपको ऊपर क्या क्या है। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं। ये रास्ता है यहाँ का, ये कहाँ लगा? मैं कमरा नहीं ले जा रहे, वहाँ ले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बंदर होंगे तो दे देंगे ना। तो ये है यहाँ का मेन गेट, और यहाँ से स्टार्टिंग है। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम जू में। तो जिद था बेटी को कि मुझको जाना है, जाना है। बेटा तुमसे पापा पीछे छोड़ गए। तो यहाँ पे कुछ सूचना लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो कि मतलब कुछ भी खाने पीने की चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते हो जू के अंदर। तो हम ना इतनी सारी चीज़ें लेके आए खाने के लिए, पर हमको ये यहीं पे रखना पड़ेगा, है ना बेटू? मेरे पास है। हाँ जी, मैं रखा है चुपा के। तो ये अभी जा रखे हैं टिकट लेने के लिए, और सामान भी पता नहीं कहाँ रखेंगे यार, यहाँ हमने इतना सामान ले रखा है। ये बेटू है ना, जिद्दू करता है सामान लेना है, सामान लेना है। मैंने कब लिया? ये किसने लिया? आपने तो लिया ना? मैंने कब लिया? झूठ के बाद। तो अंदर फिर अगर कोई भी यहाँ जू आ रहा है ना, तो सामान जो भी है ना अंदर मत लेके आना यार, क्योंकि अंदर अलाव नहीं है सामान वगैरह लेने। मतलब अंदर कोई सामान वगैरह अलाव नहीं है लाने के लिए। अच्छा ठीक ठाक देखने जा रहे, निकालूंगी तो। तो इधर सारी बर्ड्स वगैरह है, बर्ड्स ही है ना, क्या है? पैरोट। पर ऑल दोस आर टू द खाने को चाहिए कुछ क्या है? तो गाइस अभी देख रहे हैं इधर बहुत सारी बर्ड्स है, और उसके साथ मतलब ये और क्या क्या है? नहीं ये तो है ही ना, मतलब इसके अलावा जो मतलब बड़े एनिमल्स है। तो जब हम पहले आए थे ना, तो उस टाइम थोड़ा और भी चेंज था, इस टाइम कुछ और भी मतलब थोड़ा और प्रोग्रेस हो रही है। सब जगह बर्ड्स ही है सब जगह। देखो
यहाँ पे है ये ऑस्ट्रिच, दिख नहीं रहा यार अच्छे से। तो गाइज यहाँ पे है स्नेक और यहाँ पे ना मिट्टी के अंदर कुछ उन्होंने ऐसे मटका टाइप का बना रखा है तो उसके अंदर स्नेक वगैरह है। तो दो हमको दिखे, एक यहाँ पे दिख रहा होगा हल्का सा और एक दो हमने भी देखे छोटे छोटे वाले, पर बड़े वाले नहीं देखे। तो गाइज स्नेक भी देख दिया सामने से और स्नेक था कि नहीं था समझ नहीं आ रहा, वो एक घंटे से इधर ही मुँह कर रखा है और अभी तो ठंडियों में तो बाहर नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे है वैसे बना तो रखे हैं कि स्नेक वगैरह भी हैं और क्योंकि आजकल ठंडियों के टाइम है तो बाहर नहीं आ सकते हैं, इस वजह से हो सकता है, पर वैसे एक तो था। और आगे दिखाती हूँ मैं आपको हिरन। सो गाइस पार्क में घूमने के बाद भूख लगी थी तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया है और हमने सोचा खाना खुना खा के फिर सीधा रूम पे चले जाएंगे क्योंकि थकान भी लग गई है। तो बस यार खाना वाना खाते हैं फिर चलते हैं रूम पे। गाइस अभी रूम पे पहुंच गए हैं और हमने मंगा रखे मोमो और मोमोज वगैरह खाते हैं। अबे यार इतनी लाइट कम क्यों लग रही है? अच्छा हाँ ये कितने का है? हाँ ये छोटा वाला ही चाहिए था। तो भाई ऐसे मोमो में हमारे काम चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है, खाना खोना कुछ नहीं खा रहे, मोमोज खा रहे हैं।